हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आज पढ़ेंगे क्लास टेंथ का जो पहला चैप्टर है, ए लेटर टू गॉड, लिखा है जी एल फ्यूंटिस जी ने। तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ ये पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद बिल्कुल शेयर करें और कमेंट करें कि कैसा लगा और कौन सा वीडियोस आपको चाहिए। डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल जाइएगा क्योंकि उधर आपको बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा और वीडियो को लास्ट तक देखें। उधर जाके आपको दो तीन वीडियोस स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, ठीक है, क्लास टेन रिलेटेड टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बिफोर यू रीड ये वाला पढ़ना चाहिए, तभी आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि ये लेटर टू गॉड किसके ऊपर है, मतलब एक पत्र किसके लिए, भगवान के लिए, ठीक है, गॉड के लिए, ऊपर वाले के लिए। तो चलिए पढ़िए इसको। दे से फेथ कैन मूव माउंटेंस। दे से मतलब लोग कहते हैं कि आत्मविश्वास एक पर्वत को भी हिला के रख सकता है, ठीक है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें विश्वास किस पर रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। बस यही एक सवाल है जो एक ये स्टोरी बताता है कि हमें किस पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास के ऊपर है पूरा का पूरा टोटल चैप्टर। तो जो स्टोरी है ना, इसके ऊपर बेस है, ये इस लाइन से इस लाइन तक। क्या है कि लेंचो एक फार्मर है, लेंचो इज़ ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लेंचो एक फार्मर है, ठीक है, किसान है, वो गॉड को, ईश्वर को लेटर लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उनका क्रॉप्स खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, आस्किंग फॉर ए 100 पैसोस, तब वो भगवान से, ऊपर वाले से 100 पैसोस मांगते हैं, रुपया मांगते हैं। डज लेंसोस लेटर रिच गॉड, क्या ये लेंसो का जो लेटर है, क्या ये गॉड तक पहुंचता है ये लेटर। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड ऊपर वाला लेंसो को पैसा भेजता है। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, सोचिए कि आपका आंसर क्या होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस, और सोचिए कि ये स्टोरी कैसे शुरुआत होता है। बिफोर यू बिगिन टू रीड, आपको ये स्टोरी शुरुआत करने से पहले आप सोचिए कि स्टोरी का शुरुआत कैसे हो सकता है और ख़त्म कैसे हो सकता है। तो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि ये स्टोरी कैसे शुरुआत होगा। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसका शुरू करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होता है यहाँ से, देखिए, और साइड में कुछ इसका मीनिंग्स दिया रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। स्टार्ट है कि द हाउस, लेंसो का घर, ठीक है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लॉ हिल। तो लेंसो का घर, ठीक है, लेंसो का घर, कोई कोई लेंको बोलता है, मैं लेंसो बोल लेता हूँ, ठीक है। तो लेंसो का घर कहाँ था, वहाँ पर सिर्फ एक ही घर था एंटायर वैली में, वो सिर्फ था लेंसो का, और कहाँ था, क्रेस्ट ऑफ द लॉ हिल, जो बहुत बड़ा 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 पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, जो सबसे छोटा वाला पर्वत है, पहाड़ है, उसके ऊपर, सबसे ऊपर वाले हिस्से में उसका घर था। क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ द हिल, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड गुड हार्वेस्ट। और कोई भी इंसान बाहर से, अगर बाहर खड़ा रहेगा ना, बाहर से पूरा का पूरा एरिया, वहाँ पर कितना वो है, रिवर है, वहाँ पर कितना फील्ड है, वहाँ पर कितना फ्लावर्स है, सभी कुछ वहाँ से आराम से देख पाते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। इस अर्थ को, इस मिट्टी को सिर्फ एक चीज़ चाहिए था, तब वो था डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर, हल्का सा बारिश चाहिए था इस मिट्टी को। क्वेश्चन आता है, द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड, तो व्हाट वाज दैट थिंग, दैट इज द डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर, ठीक है ना, हल्का सा बारिश चाहिए था तब। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंसो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। देखिए, सुबह से रात तक, इवनिंग तक, इसका कुछ नहीं करता था लेंसो, बस नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा होता था। किस लिए, आसमान की तरफ देख रहा होता था कि थोड़ा सा बारिश तो आए, थोड़ा सा बारिश आके इस फील्ड में, थोड़ा सा पौधे में पानी आए, ये फसल उगे अच्छे तरह से, बस यही आशा करके बैठे रहते थे। उसके बाद देखिए यहाँ से, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, वुमेन मतलब लेंसो का वाइफ बोल रहा है कि हाँ, अभी शायद हम लोगों को थोड़ा सा पानी मिलने वाले है, मतलब बारिश आने वाले है शायद, ऐसा बोल रहा था वुमेन। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपार,
रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो देखिए नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो यहाँ पर कौन बोला, लेंसो ने बोला था, वुमेन को बोला, उनके वाइफ को बोला कि शायद हम अभी थोड़ा सा पानी पा सकते हैं, मिल सकता है हमें पानी, मतलब बारिश आ सकता है, ऐसा बोला। जो वुमेन, जो लेंसो का वाइफ खाना बना रहा था, रात का सफ़र बना रहा था, वो रिप्लाई किया यस गॉड विलिंग, अगर भगवान चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं तो ज़रूर होगा बारिश। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे लेंसो का, जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहा था। वेल द स्मॉलर वंस, जो छोटे छोटे बच्चे थे, वेयर प्लानिंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, वो फील्ड में हाउस के सामने, घर के सामने खेल रहा था, जब तक ना उनके माता जी उनको बुला लिया तब तक खेल रहा था। किसके लिए बुलाया, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ, रात का खाना रेडी है, आ जाओ, ठीक है, ऐसे करके बुला लिया। तब तक वो बाहर ही खेल रहे थे और बड़े बच्चे फील्ड में काम कर रहे थे और लेंसो बाहर खड़ा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था कि थोड़ा सा तो बारिश आए। इट वॉज़ ड्यूरिंग द मील दैट, जब वो लोग खाना खा ही रहे थे तब क्या हुआ, देखिए, जस्ट एज, हुआ क्या तब, लेंसो हैड प्रिडिक्टेड, लेंसो सोच ही रहा था, थोड़ा सा उसको मन में ऐसा महसूस होने लगा था कि तब बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ा बड़ा सा ड्रॉप, बारिश के बूंदे गिरने लगे थे, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, बड़ा बड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक बड़ा बड़ा सा क्लाउड, ठीक है, मेघ दिखाई पड़ रहा था, माउंटेन के जैसा, पहाड़ के जैसा बड़ा बड़ा सा क्लाउड दिखाई दे रहा था आसमान में। द एयर वॉज फ्रेश, हवा एकदम फ्रेश था, एंड स्वीट, एकदम स्वीट सा था हवा, मिठास था हवा, हवा में। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो लेंसो बाहर चला गया, ठीक है, दूसरा कुछ रीज़न के लिए नहीं, बस वो जो बारिश पर गिर रहा था, बूंदे गिर रहा था उसके शरीर में, बॉडी में, बस फील करने के लिए बाहर चला गया। होता है ना, अगर बहुत साल बाद, बहुत महीने बाद अगर बारिश आए तो कैसा महसूस होता है, थोड़ा सा बारिश के बूंदे अपने चेहरे में ले लो, अच्छा लगता है, तैसा महसूस करने के लिए बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वो बाहर से अंदर आया देखने के बाद, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइंस, तो बोला कि ये जो रेन ड्रॉप्स गिर रहा है ना, ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है, ठीक है, ये आसमान से जो रेन ड्रॉप्स, बारिश के बूंदे गिर रहा है, ये सिर्फ बारिश के बूंदे नहीं है, ये न्यू कॉइंस है, ये हमारे लिए पैसा है, कॉइन है। बिग ड्रॉप्स और 10 सेंट, ये जो बड़ा बड़ा जो बूंदे गिर रहा है ना बारिश का, ये 10 सेंट है, आप सोच सकते कि 10 रुपीस है, ठीक है, अमेरिका में कैसे पैसोज बोलते हैं, सेंट बोलते हैं, ठीक है, ऐसा करके लुक 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5, और छोटे छोटे जो बारिश के बूंदे हैं वो कितने सेंट है, वो है 5 सेंट, ठीक है। अच्छा तो इधर आ जाइए, यहाँ से विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, तब उसको कैसा एक्सप्रेशन हुआ, सेटिस्फाइड हुआ, उनको बहुत ही अच्छा लगा कि अभी ये जो कॉर्न है ये पकेगा, ठीक है, फ्लावर निकलेगा, फ्लावर में जब गिरेगा, फ्लावर खिलेगा, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन रेन। बट सडनली स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन तब भी क्या हुआ, सडनली क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक हवा का झोंका, इतना जबरदस्त जोरदार हवा का झोंका, टू ब्लो एंड अलोंग विथ रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ क्या गिरा, हेलस्टोन्स गिरा, ठीक है, जो आइस गिरते हैं, हेलस्टोन्स, बड़ा बड़ा आइस गिरने लगा, ठीक है, स्टोन्स गिरने लगा आसमान से। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये सिल्वर कॉइन जैसा लग रहा था, गोल्ड कॉइन जैसा नहीं, सिल्वर कॉइन, मतलब आइस का, आइस गिर रहा था, बड़ा बड़ा स्टोन गिर रहा था, हेलस्टोन्स। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और वो लोग वही आइस का जो टुकड़ा है जो आसमान से गिर रहा था, वो बच्चे घर के बाहर भाग के आया और वही फ्रोजन पार्ट्स, ठीक है, वो आइस वो लोग कलेक्ट कर रहा था, बच्चे है, उनको अच्छा लग रहा था, लेकिन लेंसो को तो बुरा लग रहा था, क्योंकि यही आइस के जो टुकड़े हैं जो फील्ड में गिरेगा तो टोटली फील्ड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ से,
इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। लेंसो को ऐसा लगा कि अभी मुझे ख़राब लग रहा है, अभी मुझे बुरा लग रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं चाहता हूँ ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ये जो आइस गिर रहा है ना, ठीक है, बर्फ़ जो गिर रहा है, ये बर्फ़ जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन जल्दी से जल्दी नहीं गया ये बारिश, ये जो बर्फ़ का बारिश है जल्दी से जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, एक घंटा तक बर्फ़ गिर रहा था। ठीक है, सोचिए ज़रा फील का क्या हालत हुआ होगा, हाउस के ऊपर, गार्डन के ऊपर, हिल साइड में, कॉर्न फील्ड में, ठीक है, ऑन द होल वैली, हर एक जगह बर्फ़ गिर रहा था, बड़ा बड़ा टुकड़ा। द फील्ड वॉज वाइट, जो फील्ड था एकदम वाइट सा दिखाई दे रहा था, टोटली फील्ड बर्फ़ गिरने की वजह से वाइट, हल्का हल्का बारिश वाला बर्फ़ नहीं, ये बड़ा बड़ा टुकड़ा सब बर्फ़ गिर रहा था। एज इफ कवर्ड इज सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि नमक गिर गया हो, टोटली नमक से कवर हो गया हो ऐसा लग रहा था। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ में एक भी पत्ता नहीं था वो कॉर्न फील्ड में। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, जो कॉर्न था टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, ख़राब हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लेन्स, वो जो पेड़ था, ठीक है, जो कॉर्न फील्ड था वहाँ का जो फ्लावर लगा हुआ था, सारे फ्लावर गिर गया था। लेंसो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, लेंसो का मन, आत्मा दर्द से भर गया था, दुख से भर गया था। When the storm had passed, जब ये धुआंधार बारिश जब चला गया था, जब ये मूसलाधार बारिश ख़त्म हो चुका था, हेल स्टॉर्म ख़त्म हो चुका था, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो फील्ड के मिडिल में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन, और अपने बच्चों से कह रहा था, ए प्लेग ऑफ लोकास्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कह रहा था कि जो लोकास्ट है, लोकास्ट का मतलब क्या होता है, देखिए साइड में दिया हुआ है यहाँ में, कि इंसेक्ट व्हिच फ्लाई इन बिग स्वर्म ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। ये लोकास्ट होता है एक इंसेक्ट, ठीक है, ऐसे करके मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एक इंसेक्ट होता है, ठीक है, छोटा छोटा इंसेक्ट होता है, वो क्या खाता है, वो पूरा पेड़ पौधे को खा जाता है एकदम, छोटे एक साथ ग्रुप में आता है, ठीक है, ग्रुप में आके वो पेड़ पौधे को खाकर ख़त्म कर देता है। लेकिन क्या कहा, ये जो लोकास्ट है, लोकास्ट नामक जो इंसेक्ट है वो जब आता है तो कम से कम थोड़ा सा तो बचा के जाता है, सब कुछ ख़त्म करके नहीं जाता, थोड़ा सा तो रख के जाता है लोगों के लिए ताकि लोग खा सके। ए प्लेग ऑफ लोकास्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, लोकास्ट कम से कम लोगों के लिए कुछ तो छोड़ के जाता है, इससे ज़्यादा छोड़ के जाता है। लेकिन ये जो बारिश आकर चला गया, बर्फ़ जो गिर के चला गया, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये हेल, ये बर्फ़ कुछ भी छोड़ के नहीं गया, हर एक चीज़ ख़त्म करके चला गया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास तो कॉर्न नहीं रहेगा खाने के लिए, बेचने के लिए, ठीक है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, उस वो रात उन लोगों के लिए बहुत ही दुखदायक था, ख़राब था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, उन्होंने जितना काम किया वो काम एकदम वैल्यूलेस रहा, मीनिंगलेस काम रहा। इतना मेहनत करके एग्रीकल्चर फील्ड को बनाया था, कल्टिवेट किया था, कॉर्न को रोया था, वो हर एक काम बेकार गया। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई भी नहीं था जो हमें हेल्प कर पाए, लेंसो कह रहा था। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस ये साल हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम भूखे ही रह जाएंगे ये साल, क्योंकि हमारा जितना भी चीज़ था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंसो होप फॉर, लेंसो का आशा क्या था, बस एक ही तो आशा था, रेन, बस रेन का इच्छा था उसका। व्हाई डिड लेंसो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक लिंक न्यू कॉइंस, रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइंस के हिसाब से बोल रहा था, क्योंकि ये गुड फॉर फॉर्च्यून था, ये प्रोस्पैरिटी का सिंबल था, हार्वेस्ट का सिंबल था, क्योंकि बारिश आने के बाद उन लोगों का उन्नति होगा, प्रोस्पैरिटी होगा, हार्वेस्ट के लिए अच्छा होगा, ठीक है, उनके भविष्य के लिए अच्छा होगा, इसीलिए इनको न्यू कॉइंस बोला गया। हाउ डिड रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हो गया, रेन हेल स्टॉर्म में चेंज हो गया, हेल स्टॉर्म्स में, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू द लेंसोस फील्ड, लेंसो का फील्ड क्या हो गया, लेंसोस फील्ड्स वेर डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स के कारण उनके फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया। चार नंबर, व्हाट वर लेंसोस फीलिंग्स व्हेन ही व्हेन द हेल स्टॉप, जब हेल स्टॉप्ड हुआ, बर्फ गिरना बंद हो गया, तब उनका मन का फीलिंग क्या था, ही फील्ड विथ सैडनेस, लेंसो का मन सैडनेस से भर गया, ठीक है, दुख से भर गया, क्योंकि
उसका पूरा का पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, ये पढ़ के अच्छा लगा, तो प्लीज़ बी एच ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाइए। थैंक यू सो मच।